हेलो दोस्तों, तेजस ये टेक अनबॉक्सिंग के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज करेंगे हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू एसस के एक नए लैपटॉप का, जिसका नाम है एसस वीवोबुक 14। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हर उस स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको मालूम होना चाहिए इस लैपटॉप के बारे में। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये है हमारे Asus VivoBook 14 का बॉक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स इस बॉक्स के ऊपर देखने को मिलती है। और चलिए अब इस लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस लैपटॉप के बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा स्लोगन देखने को मिलता है, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। और दोस्तों, ये है हमारा लैपटॉप। चलिए इसे पहले बगल में रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स में। तो ये है वारंटी पेपर और यूजर गाइड, जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो इसे यूज करने में। और क्या है, तो ये है इस लैपटॉप का चार्जर। तो दोस्तों, टिपिकल एसुस के स्टाइल का चार्जर है, जहाँ पे ये है एक 65 वाट का चार्जर और काफ़ी छोटा है एंड अच्छा खासा लग रहा है। और चलिए अब देखते हैं हमारा लैपटॉप। तो दोस्तों, ये है एक कवर में, तो चलिए इस कवर को हटाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा लैपटॉप, काफ़ी छोटा लग रहा है और काफ़ी पतला लग रहा है एंड कलर वाइज भी बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस लैपटॉप को करते हैं फर्स्ट बूट। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये है एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जहां पे आपको काफ़ी पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं। और चलिए दोस्तों, अब इसे करते हैं बूट। तो दोस्तों, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे क्योंकि ये फर्स्ट बूट है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1080p का TFT डिस्प्ले। और बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कोर i5 10th जेन इंटेल अल्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड के साथ। और दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है SSHD स्टोरेज, यहाँ पे है एक 256GB का SSD और एक 1TB का HDD। और दोस्तों, ये काफ़ी स्मूथ है। और जब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 720p का कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छा है वीडियो कॉल वगैरह के लिए। और दोस्तों, बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है विंडोज़ 10। और दोस्तों, इन सब के बाद भी इसका वजन केवल 1.5 kg है। और दोस्तों, जनरली इस साइज के लैपटॉप में आपको सभी पोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो लैपटॉप है इसमें आपको सब पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। चाहे मैं बात करूँ USB 3.0 की, या फिर बात करूँ USB Type-C की, या फिर मैं बात करूँ SD कार्ड स्लॉट की, और भी जितने पोर्ट्स या फिर स्लॉट्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ सकती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस प्राइस रेंज में जनरली जितने नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं वहां पे आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिलता है, जो मेरे अकॉर्डिंगली काफी अच्छा फीचर है इस प्राइस के लैपटॉप के लिए। और दोस्तों, बात करें इस लैपटॉप की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है इस लैपटॉप का, जहाँ पे एक वेरिएंट है 60,000 का जो मेरे पास है, जहाँ पे आपको एडिशनल 2GB का ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक और वेरिएंट है जिसका दाम है 56,000, लेकिन यहाँ पे आपको वो 2GB का एडिशनल ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। और दोस्तों, अगर आप इसे यूज करते हैं वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिल सकता है इन दोनों वेरियंट के बीच में। तो दोस्तों, ये तो थे इसके प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस और अनबॉक्सिंग। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोज और इसके कॉन्स की। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला प्रो है इस लैपटॉप का साइज। तो दोस्तों, ये एक 14 इंच का लैपटॉप है, लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं किसी भी दूसरे 14 इंच के लैपटॉप के साथ, तो ये उससे छोटा ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं, इसे मैंने अपने HP ProBook 360 के बगल में रखा है एंड क्लियर डिफरेंस आपको यहाँ पे इसके साइज में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे इसका सेकेंड प्रो है इसकी बैटरी लाइफ। तो दोस्तों, ये काफ़ी छोटा लैपटॉप है, लेकिन तभी भी ये आराम से आपको 7 से 8 घंटे की बैटरी लाइफ दे सकता है।
और दोस्तों इसका तीसरा प्रो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसका कीबोर्ड। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये एक बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, जो कि अपने में ही एक एडवांटेज है दूसरे लैपटॉप्स के मुकाबले। और दोस्तों यहाँ पे जो इसके कीज है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और ऐसे में अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल का कम्फर्ट फील होता है इसके कीबोर्ड को यूज़ करने में। और दोस्तों यहाँ पे जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है किसी भी नॉर्मल लैपटॉप के मुकाबले। और दोस्तों यहाँ पे चौथा प्रो है इस लैपटॉप का डिजाइन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं इस लैपटॉप में, जिनके वजह से ये लैपटॉप काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। जैसे मैं बात करूँ अगर इसके हिंज की, तो जब भी आप इस लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आपको एक एंगल देखने को मिलता है हमारे कीबोर्ड में। और दोस्तों अगर आप इस कीबोर्ड को काफी टाइम तक यूज करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली आप बहुत देर तक इस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो एंगल है ये आपको हाथ को एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है, और इसके मदद से आपका हाथ में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। या फिर दोस्तों मैं बात करूँ अगर इसके बेजल्स की, तो यहाँ पे इसका जो बेजल्स है वो काफी ज्यादा पतले हैं, जिनके वजह से जो इससे लैपटॉप का साइज है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। या फिर अगर मैं बात करूँ इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो जो ये लोकेशन पे है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और ऐसे में जो इसका स्पीड है वो भी काफी ज्यादा है। और दोस्तों बात करें इसके कॉन्स की, तो यहाँ पे मुझे बस एक ही कॉन इस लैपटॉप में फील हुआ, वो है इस लैपटॉप के स्पीकर्स जो कि बिल्कुल ही लाउड नहीं है। एंड जिस साइज का ये लैपटॉप है थोड़े लाउड स्पीकर्स तो हो सकते थे। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि आखिर आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आपका भी बजट है 50 to 60 thousand के बीच में, और ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जो छोटे साइज का हो, जिसे आप कभी भी कहीं पे भी यूज कर पाए, और जो उसकी बैटरी लाइफ हो वो भी डिसेंट हो, और ऐसे में जो इसकी परफॉर्मेंस हो वो ऐसी हो जो आपके डे टू डे टास्क को तो करे ही, बल्कि जब आप वीकेंड्स में गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी वो आपकी हेल्प कर पाए, तो दोस्तों यहाँ पे आप इस लैपटॉप को आंख बंद करके आराम से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये लैपटॉप अच्छा लगा है और आपको इसे परचेज करना है, तो इसके दोनों वेरिएंट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो जाकर के वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपके काम आए, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगी है लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन उनको कर दीजिएगा ऑन, और नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, और इतना कर ही रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।